आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फोन से तत्काल टिकट कैसे बुक किया जाता है। आप प्ले स्टोर से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां से इसको ओपन करना होगा, उसके बाद इसमें आपको लॉगिन करना होगा। तो यहां लॉगिन आइकन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां अपना 4 डिजिट का लॉगिन पिन डालेंगे। अगर आप बायोमेट्रिक सिस्टम को ऑन करके रखें तो हम बायोमेट्रिक डालेंगे, तो मेरा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको मास्टर लिस्ट में पैसेंजर का नेम ऐड करना होगा। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ माई मास्टर लिस्ट का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा पैसेंजर का नाम आ गया है। अगर आपको और भी पैसेंजर ऐड करना है तो यहाँ ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ नाम फिल करेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, और बर्थ प्रीफरेंस में आप यहाँ नो प्रीफरेंस इसको चूज़ कर लेंगे और ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैंने 3 पैसेंजर को ऐड कर चुका है, तो मैं यहाँ होम पे आऊँगा, उसके बाद यहाँ ट्रेन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ बुक टिकट इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं, सबसे पहले जैसे कि हम बारसोई से राजेंद्र नगर जाना चाहते हैं तो यहाँ बारसोई ले लिए, उसके बाद यहाँ 2 में हम राजेंद्र नगर ले लेंगे, उसके बाद यहाँ कोटा में हम यहाँ तत्काल ले लेंगे और डेट हम 21 तारीख का लेंगे। और जब ये टाइम 10 बज जाएगा तब हम यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो तब उस वक्त हम AC का टिकट बुक करेंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप AC का टिकट बुक करते हैं तो आपको 10 बजे बुक करना होगा, अगर आप नॉन AC का टिकट बुक करते हैं तो आपको 11 बजे टिकट बुक करना होगा। तो जैसे 10 बजेगा उसके बाद आपको हम दिखाएंगे, जब तक आप वेट कीजिए। जैसे देखिए यहाँ 10 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी है, 10 सेकंड लगभग बाकी है। उसके बाद जैसे 10 बजेगा हम सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरा 10 बज चुका है, मैंने यहाँ ट्रेन सर्च के ऑप्शन पर क्लिक भी कर दिया है। अब मुझे यहाँ वेट करना है, हो सकता है यहाँ आपका लिंक फेल हो जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उसके बाद मेरा यहाँ पे देखिए ट्रेन शो कर रहा है, चलिए हम 3rd क्लास AC लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए, यहाँ अवेलेबिलिटी चेक हो रहा है, हम यहाँ वेट करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ सीट आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और पैसेंजर डिटेल्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ मेरा मास्टर लिस्ट पर आ जाएगा, इन सबको हम टिक करेंगे, जो जो पैसेंजर को आप लेना चाहते हैं, और सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑटो अपग्रेडेशन ले लेंगे और ऑटो कन्फर्मेशन ले लेंगे, और यहाँ से UPI चूज़ कर लेंगे, यहाँ इंश्योरेंस में नो कर देंगे और रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ बुक टिकट हो रहा है, मुझे यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद आपके सामने टोटल सीट आ जाएगा, ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह इसको फिल कर देना है। उसके बाद इसको बढ़िया से आपको फिल करना है, एक बात भी ये हो सकता है। उसके बाद ये प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट पेज में रिडायरेक्ट कर देगा, सबसे पहले यहाँ से हम पेटीएम चूज़ कर लेंगे, या भीम UPI चूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ से हम फ़ोनपे चूज़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे फ़ोनपे से पेमेंट करना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर या UPI ID फिल करेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको इतना पेमेंट करना होगा, यहाँ आपको रिडायरेक्ट कर रहा है, आप यहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे नोटिस मिल चुका है, यहाँ पेटीएम की तरफ से, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ अपना पेमेंट को हम सबसे पहले सक्सेसफुल कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, आपको जो भी बैंक से पेमेंट कटाना है, और यहाँ पे सिक्योरली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना UPI पिन डालेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ आपका पेमेंट होने लगेगा। जैसे कि देखिए मेरा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर हम फिर IRCTC की वेबसाइट में आएंगे, ऐप में आएंगे, यहाँ पर आके देखेंगे तो देखिए मेरा यहाँ पे टिकट सक्सेसफुल हो चुका है। B5 में 42 नंबर सीट है पहला का, और दूसरा का देखिए B5 में 43 है, और तीसरा का देखिए यहाँ B5 में 45 नंबर सीट है। तो इसको इसी तरह से आप बुक कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप चाहें तो इसको कैंडिडेट को यहीं पे भेज सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहीं से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ PDF के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये PDF में भी डाउनलोड होने लगेगा, या टिकट देखिए PDF में डाउनलोड होकर सेव हो गया है, हम यहाँ से ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो इसी तरह से आप तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं, लेकिन जब आपका टाइम हो जाता है उस वक्त आप बुक करने जाते हैं तो आपका यहाँ सर्वर एरर बता रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको काफ़ी सर्च में टाइम लग सकता है, क्योंकि उस वक्त बहुत भी जाम होता है, इंटरनेट ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।